देवघर में स्थानीय लोगों ने ईवीएम कंटेनर से भरा ट्रक वैद्यनाथपुर चौक पर पकड़ लिया। बता दें कि देवघर के कुमैथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ईवीएम से संबंधित चुनाव कार्य संपन्न हुए थे और यह ट्रक वहीं से खाली कंटेनर को लेकर दुमका जा रही थी। ट्रक को सारथ विधानसभा ले जाया जा रहा था जो कि दुमका लोकसभा में पड़ता है। स्थानीय लोगों को शक हुआ कि ईवीएम को ले जाया जा रहा है, जिसके बाद ट्रक को रोका गया और हंगामा खड़ा हो गया। बाद में जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ पहुंची और लोगों की मांग पर एसडीएम विशाल सागर ने सारे बक्से को खुलवाकर जनता को दिखाया, जिसके बाद ट्रक को दुमका के लिए रवाना कर दिया गया। हालांकि मामले ने तूल उस वक्त पकड़ लिया जब पूर्व मंत्री सुरेश पासवान और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुँचे। जनता का कहना था कि बीजेपी सर्वे में 300 से ज़्यादा सीटें ला रही है और यह तभी संभव है जब ईवीएम में ज़बरदस्त घोटाला किया जाए और लगातार बीजेपी इसको अंजाम दे रही है। तो वहीं मंत्री ने सवाल खड़ा किए कि आखिर एक ट्रक किस परिस्थिति में देवघर से दुमका जा रहा था, इसकी उच्च स्तरीय जाँच की मांग भी की गयी। सूचना मिला कि उधर से गाड़ी आ रहा है, उसमें बॉक्स है, उसके अंदर ईवीएम है। तो हमको लगा कि टाइम तो अब समाप्त, जमा करने का सब समाप्त हो चुका है, आज क्यों आ रहा है। तो रोड पर आए, हाथ दिए तो भागना चाहा। काफी यहाँ 10-20 लोग की संख्या में था, वो मैंने एक तरह से वहीं से रपेट के इसको पकड़ा। उसके बाद उसको बोले कि बॉक्स में क्या है, खोल के दिखा दीजिए। बोला खाली है। हम कहे खाली है तो खोल के दिखा दीजिए, आपको कोई गाली गलौज नहीं कर रहा है, खोल के दिखाने में हर्ज क्या है। और जब ये समय खत्म हो गया, समय सीमा खत्म हो गया, तो आखिर ये खाली ही है तो कहाँ से ये आ रहा है, ये कहीं खेल तो नहीं है हो रहा है। जो फेसबुक पर दिखाया जा रहा है, चंदेली में जो है घुसाया जा रहा है, हरियाणा में घुसाया जा रहा है, बिहार में दो दो जगह घुसाया जा रहा है, कहीं वही खेल तो हमारे गोड्डा लोकसभा या दुमका तो नहीं होने जा रहा है। खड़ा हुआ ट्रक जो है सामने मिला है, अभी इसको जांच का विषय है। ये बक्सा खाली है कि भरा है, क्या है, वो जांच का विषय है। इस समय ये बक्सा कहाँ घूम रहा है, इसलिए कि इस बक्सा में जो है दो नंबर का काम होगा। ये बीजेपी वाले का जो है ये बहुत बड़ा साजिश है, ये लोग जो है इसी तरह करके और जीतने का प्रयास करता है। जबकि आप जान रहे हैं कि यहाँ प्रदीप यादव लाखों वोट से जीत रहे हैं, उनको हराने के लिए यह साजिश जो है चल रहा है। इसलिए इस पर यह जांच की विषय है, इस पर जांच होना चाहिए, चुनाव आयोग अपने से स्पेशल जांच कराना चाहिए। यहाँ पर पहुँचाने के लिए ये खाली ट्रंक है, इसमें और कोई सामग्री नहीं है। और इसका विस्तार से आप डीएसओ से बात कर सकते हैं, जिला निर्वाचन हमारे पदाधिकारी से बात कर सकते हैं। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम देवेंद्र मुर्मू।